अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हाफिज़ गुलशेर एक दफ़ा फिर हाजिर है चैप्टर नंबर 20 सेकेंड हाफ की रिवीजन के लिए। पहला एमसीक्यू है, मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय। अब हमने ये रिवीजन लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा कि तीन किस्म के आरएनए पॉलीमरेज हैं, 1, 2 और 3। 1 बनाता है राइबोसोमल आरएनए, 2 बनाता है मैसेंजर आरएनए और 3 बनाता है ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ मैंने पूछा था मैसेंजर को कौन बना रहा है, तो वो आरएनए पॉलीमरेज 2 है। रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, रेप्लिकेशन हमेशा होगी 5 to 3। बिकॉज इसकी रीज़न मैंने आपको लेक्चर्स में, ड्यूरिंग द लेक्चर्स क्लास रूम में आपको 5 से 6 मरतबा तो बताई है कि रेप्लिकेशन 5 से 3 क्यों होती है। बिकॉज जो पॉलीमरेज है वो 3 से ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स। पुराने स्टैंड के जब वो 3 से ऐड करेगा तो नया स्टैंड बनेगा 5 to 3। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो भी प्रोसेस है वो हमेशा प्रोसीड करेगा 5 to 3। डैश इंजाइम अटैचेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मैं आपको ये बता दूं, ये लैगिंग स्टैंड पे बनते हैं और ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं 100 to 200 या 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स के। और इन टुकड़ों को जोड़ने वाला एक इंजाइम है, इसका नाम है लाइगेज। लाइगेज का मतलब ही टू ज्वाइन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्ट कोडान। रिविजन लेक्चर में पढ़ा हमने कि अगस्त की शॉर्ट फॉर्म AUG, ये स्टार्ट कोड है और इसके पीछे जो अमाइनो एसिड लगता है वो है मिथियोनिन। इन बैक्टीरिया न्यूली सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए इज रिलीज्ड इन। जब न्यूली सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो वो रिलीज ही कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, बिकॉज बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। ह्यूमन सेल कंटेन्स टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ह्यूमन सेल में 45 किस्म के ट्रांसफर आरएनए मौजूद है। एंटीकोड्स आर प्रेजेंट ऑन डैश। अब याद रखिएगा, ये फॉर ये मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर कोड है। इन कोड को रीड करने के लिए ट्रांसफर आरएनए आता है। ट्रांसफर आरएनए इसके एंटीकोड अगर यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल ACC, तो वो लाएगा UGG। तो UGG एंटीकोड है और एंटीकोड कौन ला रहा है, ट्रांसफर आरएनए। तो ये ऑप्शन आएगा। द स्ट्रैंड दैट इलोंगेट टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क, जो रेप्लिकेशन की तरफ जाए वो लीडिंग है और जो अवे जाए वो लैगिंग है। शॉर्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला है फिनाइल कीटोनूरिया, पढ़ चुके हैं हम, ये पॉइंट म्यूटेशन की एक एग्जाम्पल है जिसमें फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन, इसकी आप मिसाल दे सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन की सिकल सेल एनीमिया की। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, दोनों सेंट्रल डोगमा के स्टेप्स हैं। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एक डिफरेंस तो हमने एमसीक्यूज में ही पढ़ ली है कि एक के ऊपर कोड्स हैं, एक के ऊपर एंटीकोड्स हैं, और ये जो है इसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कहाँ से आती हैं, न्यूक्लियस से, और इसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कहाँ से आती हैं, साइटोप्लाज्म से, और साइटोप्लाज्म में ये किसको लाता है, अमाइनो एसिड को। व्हाट आर टर्मिनेशन कोडान, हमने रिवीजन लेक्चर में पढ़ा था टर्मिनेशन कोडान्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप कोडान्स, और स्टॉप कोडान्स वो हैं जिनके पीछे अमाइनो एसिड नहीं लगता, और वो 3 हैं UAA UAG UGA। और वो तरीका मैंने बताया था आपको याद करने का, UA UJA UAG। नेक्स्ट लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, पढ़ चुके हैं, जो एप्लीकेशन की तरफ जाए वो लीडिंग और जो अवे जाए वो लैगिंग। राइट अबाउट यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड, इसमें आप एक मिसाल देंगे यूनिवर्सैलिटी में, वो है AGA के पीछे एक अमाइनो एसिड लगता है आर्जिनिन, बैक्टीरिया में भी लगता है, हमारे अंदर भी लगता है। तो लिहाजा साइंटिस्ट कहते थे जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। थैंक यू बेटे।